हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिकल मेलेडी। तो इस वीडियो में हम राग भूपाली की स्वरमालिका देखने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली राग भूपाली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो इसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने राग भूपाली वाली वीडियो में बताया था कि इसमें म और नी वर्ज्य है, यानी म और नी हमें नहीं गाने हैं इस राग में। तो उसके अलावा जो पांच स्वर हैं वही हमें सिर्फ यूज़ करने हैं इस राग में। उसके अलावा उस लिमिट में ही रहना है, उसके अलावा कोई स्वर हमें यूज़ नहीं करना है। तो उन स्वरों से जो सुंदर रचना बनाई जाती है उस रचना को हम स्वर मालिका कहते हैं। और 16 मात्रा 16 बीट्स का जो सर्कल होता है उसमें ये बनता है। तो इस तरह स्वर मालिका बनती है। तो चलिए देखते हैं। प ग ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग रे ग रे सा आ रे ग प ध सा रे सा द प ग तो जैसा मैंने आपको त्रिताल वाले वीडियो में बताया था कि स्वर मालिका और मध्यालय दोनों में त्रिताल का एप्लीकेशन होगा, तो इसमें भी ऐसा ही है। अगर आप नीचे देखेंगे तो पहले खंड के नीचे आपको देखने मिलेगा 0, यानी खाली, जो त्रिताल की खाली है। तीसरा खंड 9वीं मात्रा, फिर दूसरा खंड है उसके नीचे आपको 3 मिलेगा, यानी तीसरी ताली, ताल की तीसरी ताली। फिर तीसरा खंड है उसके नीचे आपको मिलेगा एक्स, यानी पहली मात्रा, ताल की पहली मात्रा। और आखिरी खंड जो है उसके नीचे दूसरी ताली, यानी 9वीं मात्रा से स्टार्ट होके ये 9, 10, 11, 12, फिर दूसरे खंड के नीचे 13, 14, 15, 16, फिर ताल जो है वो वापस स्टार्ट होगा। तो 1, 2, 3, 4 और फिर 5, 6, 7 और 8, तो 9 से लेके 8 तक ऐसे चलेगा और फिर वापस 9 से। तो ऐसा इसका त्रिताल का यहाँ पर एप्लीकेशन है। तो इस तरह मैंने आपको दिखा दिए राग भूपाली के आरोह अवरोह, पकड़ और स्वरमालिका। तो आपको इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।